हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव चौधरी, फाउंडर ऑफ ग्राफिक विला। अगर आपका कोई एक स्मॉल बिजनेस है या कोई स्टार्टअप है या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने का आप सोच रहे हैं, तो एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो होती है मार्केटिंग, यानी किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप यूज करने वाले हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने गुड्स और सर्विसेज को राइट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम आसानी से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज होना। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप अपना टाइम, मनी और एफर्ट्स वेस्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग के तरीकों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस के लिए आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे ऑफ मार्केटिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 448 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और यही एक वजह है कि आज इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े बिजनेस आज सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रोफेशनल बिजनेस पेज बनाकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी राइट ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप भी अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं वो हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज बनाकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और किस तरीके से एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज बनाया जाता है इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो अपने इसी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से फेसबुक पेज बनाना सिखाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज क्रिएट कर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक एड्स की मदद से। और जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि आज फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्टेड हैं, तो आप एक सिंगल बजट के अंदर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड वे ऑफ मार्केटिंग की, जो है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग की मदद से आप अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को गूगल की टॉप रैंकिंग में ला सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल के ऊपर कुछ चीज सर्च करते हैं तो कुछ जो स्टार्टिंग के सर्च रिजल्ट्स होते हैं उनके नीचे एड्स मेंशन होता है। इस तरीके के एड्स गूगल एड्स की मदद से लगाए जाते हैं। तो आप भी अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को गूगल एड्स की मदद से इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जब भी गूगल पर कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्च करता है तो उसको आपका एड दिखे और वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे थर्ड वे ऑफ मार्केटिंग की, जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर सकते हैं, वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग की मदद से आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट है आपका, कैसे वो लोगों के लिए यूजफुल है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। इस तरीके की मार्केटिंग के अंदर बिजनेस अपने गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो वीडियो फॉर्मेट के अंदर हो सकता है या फिर किसी एनिमेशन फॉर्मेट के अंदर या फिर किसी और तरीके से, जिससे कि लोग उनके प्रोडक्ट को समझ सकें। कंटेंट मार्केटिंग किसी भी नए बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस तरीके की मार्केटिंग के अंदर पहले आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ऑफर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे फोर्थ वे ऑफ मार्केटिंग की, जो है YouTube मार्केटिंग। YouTube आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, और YouTube के ऊपर इंडिया में अगर हम बात करें तो 265 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। तो मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। YouTube के ऊपर आप एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, और इस तरीके की वीडियोस को आप गूगल एड्स की मदद से प्रमोट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो बीच में कुछ एड्स आते हैं जो स्किपेबल एड्स होते हैं,
तो ये भी YouTube मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं YouTube के ऊपर Google Ads की मदद से। और किस तरीके से Google Ads को यूज करके YouTube के ऊपर वीडियोस को प्रमोट किया जाता है, इसके ऊपर भी हमने अपनी एक वीडियो ने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जाके आप आसानी से Google Ads को समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं YouTube मार्केटिंग के लिए। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ वे ऑफ मार्केटिंग की, जो है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग के अंदर आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना होता है और इस तरीके से कंटेंट पोस्ट करना होता है जो कि बहुत ही क्रिएटिव हो या फिर किसी सोशल इशू के ऊपर हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके उस कंटेंट को शेयर करें और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाए। यानी जितना ज्यादा आपका कंटेंट वायरल होगा, उतने ही आपका बिजनेस का प्रमोशन होगा, उतना ही लोग आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे। किस तरीके का कंटेंट वायरल होता है, किस तरीके का कंटेंट ज्यादा शेयर किया जाता है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको रेगुलर अपने सोशल हैंडल्स के ऊपर कंटेंट पोस्ट करना होता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो और किसी सोशल इशू या फिर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया हो। अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो आप अमूल का सोशल मीडिया पेज देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सोशल इशू के ऊपर अपने पोस्ट क्रिएट करते हैं जो सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। तो ये थे कुछ मार्केटिंग के तरीके जिसकी मदद से आप अपने नए बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं और एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।